फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेड कटलेट बनाने जा रही हूँ। के लिए मुझे चार उबले आलू, चार पीस ब्रेड, थोड़ा सा पीस पनीर का, हरा धनिया, एक प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च और थोड़ा सा पनीर घिसा हुआ है, मैंने इसको घिस लिया है। ये ब्रेड क्रम्स हैं। रिफाइंड तलने के लिए हमें चाहिए सफ़ेद नमक, काला नमक, स्वाद अनुसार लीजिएगा क्योंकि दोनों नमक है, ज़्यादा ना हो जाए। जीरा भुना हुआ, अनारदाना, चाट मसाला और लाल मिर्च। दो चम्मच मैदा है, इसको हम पतला घोल बना लेंगे। देखिए मैंने मैदा घोल लिया है, इसमें हल्का सा नमक डाला है बिल्कुल। इसको अब एक साइड पे रख दें। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। ये मैंने आलू मैश कर लिए हैं, इसमें मैं पनीर डाल दूंगी। हरी मिर्च, प्याज और धनिया। अब जो हमने ये मसाले निकाले थे, ये सभी इसमें डाल दें। अच्छे से मिक्स कर दें। स्टफिंग तैयार हो गई है। ब्रेड के पीसेस को हम गोल कट कर लेंगे। ये देखिए, अब इनके ऊपर हम ये स्टफिंग जो हमने तैयार करी थी ये लगा देंगे। इसी तरह चारों पीस पे लगा लें। ये मैंने चारों पीस पे लगा लिए हैं। अब चम्मच से इनके ऊपर आप मैदा लगा लीजिए। ये चारों पे मैंने लगा लिया। रिफाइंड मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब ऐसे इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लें। दोनों साइड से तलेंगे इसको। फ्लेम्स ना ज्यादा तेज रखेंगे ना ज्यादा धीरे रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। एकदम गोल्डन हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देंगे। सबको टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। अब हम इनको सर्विंग प्लेट में
गार्निश करेंगे। ये देखिए मैंने गार्निश किए हैं मस्टर्ड सॉस और टोमेटो सॉस के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।